सो हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फिर से एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। एंड गाइज, ये जो वीडियो है आज का गेमिंग पे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो गाइज, आज हम लोग जो टॉपिक है आज हमारा वो है सौरभ जोशी ब्लॉग्स। सो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आजकल जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स, जिनका कि रिसेंटली 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है गाइज? देखो, इस पर आपको ऑलरेडी मतलब 100+ वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है एंड सबको व्यूज छापना होता है। यूट्यूब पे जो भी बंदा है वो व्यूज़ के लिए आया हुआ है, और ऑब्वियसली मैं भी ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ ताकि मेरे भी अच्छे खासे व्यूज़ है। बट गाइस, मैं आप लोगों को पहले कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में कोई भी हेट नहीं फैला रहा हूँ, और ना ही मैं उनका सपोर्टर हूँ। मैं उनका डेली ब्लॉग देखता हूँ, क्योंकि भाई मैं एडिक्टिव हो गए हूँ उनके ब्लॉग से। सो गाइस, यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न है वो है पीयूष। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी सौरभ जोशी भाई पीयूष को अपने टाइटल या थंबनेल में लगाते हैं तो भाई उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। भाई ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखो, जो भी बंदे मतलब 90% जो है सौरभ जोशी ब्लॉग्स जो चैनल सब्सक्राइब करके बंदे रखे हुए हैं। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। आप देख सकते हो, जैसे फ्री फायर है, तो फ्री फायर का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, जिनका कि अभी 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है टोटल गेमिंग, उनके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि भाई वो बंदा मतलब ऑब्वियसली अभी 20 से 25 साल का है, बट वो वॉइस चेंज करके बच्चों का वॉइस निकाल करके वीडियोस बनाता है, जिसमें बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और वो उससे रिलेट कर पाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, मेरी ही एज का बंदा खेल रहा है एंड मैं उसे रिलेट कर पाता हूँ। सो गाइस, जब सौरभ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीयूष को ब्लॉग्स के अंदर में लेते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे हैं ना, वो भी मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं एक तरह से उसको देख करके। उनको मज़ा आता है कि हाँ भाई, ऐसा भी एक बच्चा हो सकता है। तो इसी कारण बच्चे लोग मतलब एक तरह से पीयूष को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखो गाइज, आप लोगों को पता है कि देखो, मैच्योरिटी जो है वो मतलब ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, अगर आप मैच्योर हो तो, कि अधिकांश मैच्योरिटी जो है 15 ईयर्स के बाद हिट करती है। एंड अभी जो हमारा पीयूष भाई जो हैं, वो मतलब 11 to 13 ईयर्स के होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता उनका एज। सो गाइज, अभी जो बंदा है मतलब, हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही उनको सुख सुविधा ये सब दिया जा रहा है, तो भाई वो उसके हकदार भी हैं। अगर जो बंदे अभी जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे, भाई उनको एक बार जो है उनका जो पुराना वीडियो है सौरभ जोशी का, वो भी देखना चाहिए कि भाई उन लोगों ने कैसे कैसे दिन देखे हैं। वो लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स भी हैं पहुँचने के पीछे, उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। ये आप मतलब कुछ हैं जिनको कि दिखता नहीं है ये चीज़, और वो लोग सिर्फ देखते हैं कि पीयूष के पास गेमिंग पीसी है और ये है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर इसी पे वीडियो बना रहे हैं कि भाई इनका इन्फ्लुएंस होने का मेन रीज़न क्या है। तो गाइज, मेन रीज़न यही है, और जो इन्फ्लुएंस होने का रीज़न है वही उनका जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का रीज़न है, वो भी वही है। और एक और बात, लोग बोलते हैं कि भाई पीयूष में अकड़ आ गया, तो भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई पीयूष में अकड़ नहीं आया यार, वो एक तरह से अभी बच्चा है भाई, उसको नहीं पता है कि किसके साथ कैसे रहना है। उसको जितना बुझाता है उतना वो कर लेता है, जैसे कि मनोज दे का बात कर लें। तो भाई देखो, मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि भाई मनोज दे ने जो पॉइंट रखा वो गलत नहीं था, बट भाई जो पॉइंट रखने का तरीका था वो गलत था। अब भाई वो जो पॉइंट था वहीं पे ख़त्म हो जाता। अब अपने यार जो उनका भतीजा बोल सकते हैं या भाई जो भी है, पता नहीं, मैं उनका ब्लॉग उतना ज़्यादा नहीं दिखता, वो जो बच्चा है, अब उससे बुलवाना क्या ज़रूरी था कि भाई मतलब कैसा लगा तुमको मिल करके? भाई ब्लॉग में दिख तो गया, और भाई और भी अच्छे अच्छे पल बिताए होंगे सौरभ के साथ, पीयूष के साथ, वो सारी चीज़ नहीं डाली उन्होंने, बट जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली चीज़ थी, जहाँ पे कि पीयूष ने उनको इग्नोर किया। भाई वो सुबह मतलब यार सो करके, मान लो कि आप सो करके उठ रहे हो और डायरेक्ट आपके ऊपर कोई कैमरा एकदम ले करके मुँह पर आपका खड़ा हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा? तो भाई वैसा ही उसके साथ भी था, और वो यार नहीं जानता है उनको, तो भाई उनसे क्या बात करे और वो मतलब क्या मिले? अब वो तो भाई अच्छा था, छोटा सा मतलब 7-8 साल का, मतलब बोल सकते हैं 7 साल का होगा ऑब्वियसली उनका जो भी भाई या भतीजा जो भी था, तो जितना हो सका उसने करा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये बंदा तो सिर्फ सौरभ जोशी के बारे में अच्छा ही बता रहा है, तो भाई यही तो आप लोग की प्रॉब्लम है कि आप लोग मेन जड़ को नहीं समझ रहे हो। भाई मैं सौरभ जोशी की अच्छाई नहीं बता रहा हूँ, मैं बस यही क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है वो फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। सब लोग चाहते हैं कि व्यू छापें, और भाई देखो अभी सौरभ जोशी जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है।
उन्होंने भाई बहुत ख़राब ख़राब दिन भी देखे हुए। एक टाइम था उनके पास जबकि उनके पास एक साइकिल खरीदने का भी मतलब औकात नहीं था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जो भी किया उन्होंने लगभग लगभग यूट्यूब से ही किया है। तो भाई अभी उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनका कमियां निकाले और भाई उनके कमियों से जो जितना जिसने जितना ज़्यादा हो सके हम व्यूज छापे। तो भाई मैं बस यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं सिर्फ आप लोग को ये बात बोलूँगा कि देखो भाई, आप अगर अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हो तो भाई उसके जिम्मेवार आप हो, क्योंकि भाई आप जब बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हो तो आपको सामने रहना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। भाई देखो, अभी कोई मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, अब तुम उसको जो चीज़ सिखाओगे वही ना वो सीखेगा। तो वही जो दिमाग है 8-10 साल के बच्चों का, वो जो इंटरनेट पे देखेंगे वही चीज़ नहीं सीखेंगे। उनको अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इंटरनेट पे। अब वो देखो भाई, अभी ऐसा भी सीन हुआ था कि ये जो पीयूष जो से गेमिंग का जो चैनल खुला है ना, उसका देखा था कि बहुत सारे बंदे जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के, वो अपने गार्जियन से मतलब डिमांड कर रहे हैं कि भाई अब मेरे को भी 5 लाख का पीसी चाहिए। तो भाई वो बच्चे जो है वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ से उठ करके कहाँ पे आए, उनको बस दिख रहा है कि हाँ भाई इसने भाई 5 लाख की पीसी ले ली, अब इसका इतना मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, भाई मैं भी ले लूँगा, मेरा भी हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और गाइस, आप लोग सोच रहे हो भाई ये बंदा कहाँ से कहाँ पे चला गया, मतलब भटक गया पूरा का पूरा, इसका टॉपिक क्या था और ये कहाँ पे आ गया। तो भाई देखो, ये सारी चीज़ ना एक में कोरिलेटेड है। और एक और बात बोलना चाहूँगा गाइस, देखो आपने मतलब ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि भाई सौरभ जोशी भाई जो है वो अपने कैमरा के सामने जब भी रहते बहुत ही मुस्कुराते हैं और मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब वो दूसरे के कैमरे के सामने आते तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो गाइस इसलिए क्योंकि वो दिन भर कैमरे के थ्रू घिरे हुए रहते हैं, और देखो जब बंदा अपने हाथ में कैमरा पकड़ता है ना तो उसके कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचता है कि मेरे को क्या चीज़ दिखाना है और क्या चीज़ नहीं दिखाना है। लेकिन जब वो दूसरे के कैमरे के सामने रहता है ना तो उसको मतलब ऑकवर्ड सा फील होना शुरू हो जाता है। तो वही सीन है भाई बस सौरभ जोशी के साथ। और भाई ये जो अकड़ वकड़ की आप लोग बात कर रहे हो, वो भाई देखो अगर आप भी ग्रो हो गए ना, मान लो कि अभी आपके 1000 सब्सक्राइबर है और कुछ दिन बाद आपके भी मतलब लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स के टाइम आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो लगभग लगभग बंदों को आप बांटते थे कि भाई सेव कर लो, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक दूंगा, प्लीज़ इसको देख लेना। और भाई 10 मिलियन हो गया तो भाई क्या आप उस टाइम भी वही काम करोगे? नहीं करोगे ना। तो उस टाइम जो रहेगा भाई, आपको थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो भाई वही बात है, अब देखो अब बंदा यार दिन भर तो बंदों से मिलता नहीं रहेगा ना। आप लोगों को भी पता है कि भाई अपने प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, उसकी भी फैमिली है। सो आप लोग बस चाहते हो कि भाई मैं जब जाऊँ तब मिले। तो भाई आप ये बस सोच रहे हो कि भाई मेरे लिए 5 मिनट निकालने में उसको क्या दिक्कत है, लेकिन भाई 11 मिलियन मतलब अभी 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, 12 मिलियन लोग हैं, तो समझ रहे हो कितने लोग उससे मिलने आते होंगे। ये चीज़ आप लोग नहीं देख रहे हो कितने लोग उससे मिलने आते होंगे, बस आपको लगता है भाई मैं मिलने गया मेरे से अच्छे से बात नहीं किया। तो भाई देख लो यार कितने सारे लोग जाते हैं, ऊपर से भी यार कोरोना का भी टाइम है, तो आप लोग को यार समझना चाहिए इस बात को। और यार थोड़ी सी भी मतलब बंदे ने गलती क्या कर दी, आप लोग मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मौका नहीं छोड़ते। अब भाई बात रही मनोज दे का, तो भाई देखो मनोज दे का जो मेन चैनल है ना उस पर मतलब अगर वो टेक से रिलेटेड ये सब वीडियोज़ डालते हैं तो 60 से 80 हज़ार व्यूज मतलब ऑलमोस्ट आते हैं। लेकिन भाई देखो जब से उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, उन्होंने थंबनेल चेंज करके डाला जानबूझ करके कि भाई और भी ज़्यादा व्यूज आएंगे। आप लोगों को भी पता है कि मनोज दे का जो टेक चैनल है वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाला है, बट उनका जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसपे कि 500 to 600K सब्सक्राइबर्स है, तो भाई ये जो 3 मिलियन वाला उनका जो ये मतलब चैनल है उस पर जितना व्यूज नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा ब्लॉग्स वाले चैनल पे आ रहा है। तो उन्होंने ब्लॉग्स वाले चैनल पे जानबूझ के वैसे वैसे वीडियोज़ डाले। अब उन्होंने सोचा कि भाई इसके थ्रू और व्यूज़ मिल्किंग किया जाए सौरभ जोशी के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया ना भाई कि देखो उन्होंने अपने मेन चैनल पे और भी ज़्यादा मतलब सौरभ जोशी पीयूष जोशी थंबनेल लगा लगा के टॉपिक चेंज करके बहुत सारा वीडियोस डाल दिया, और भाई 2 लाख 3 लाख व्यूज आराम से छाप रहा है बंदा। मैं तो बस यही बोलूँगा कि भाई देखो किसी के नाम पे व्यूज छापना एक तरह से इलीगल तो नहीं बोल सकते, बट भाई कुछ हद तक करो यार। मतलब अब लगातार वीडियो डाले पे डाले जा रहे हो, एकदम भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा हो, भाई बंदे को अंदर से घुटन होती है। मैं बस बेसिकली भाई जो भी मेरा पॉइंट था वो मैंने रख दिया, और मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दिया हूँ, और मेरे को नहीं लगता कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करने वाले हो। भाई मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि यार अगर
आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आना तो प्लीज़ लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। सो बाय।